Yes, then now today first question is theory already hum kar chuke. So first question is if x equal to 1 and x equal to 2 are solutions of equations x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 and a plus b equal to 1, then find value of a and b. अब solution का मतलब क्या? तो solution का मतलब होता है x की ऐसी value जो equation को satisfy करती है, बराबर। तो यहाँ पर आपको बोला है x equal to 1 is solution. तो अगर x equal to 1 इसका solution है तो ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो भी ये इक्वेशन एज इट इज लिख सकते हैं। तो 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर। यहां पर हमने क्या किया है, तो x का वैल्यू 1 पुट किया। अब अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं नंबर 1। अनदर थिंग इज गिवन x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 2 भी इसका सॉल्यूशन है। अगर x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की प्लेस पर 2 यूज करेंगे तो 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 एंड देन प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 4a प्लस 2b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, बराबर। एक और आपको कंडीशन दिया गया है और वो कंडीशन है a प्लस b इज इक्वल टू 1, बराबर। a प्लस b इक्वल टू 1 भी दिया गया है। अब सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है b, a प्लस b का वैल्यू पता है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, ये दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं मैं। तो 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 को। क्यों? क्योंकि मुझे c को एलिमिनेट करना है, बराबर। तो अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले 8 माइनस 1 वो 7 हो जाएगा, 4a माइनस a तो वो हो जाएगा 3a, 2b माइनस b तो 2b माइनस b वो मिल जाएगा हमको b, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, एंड c माइनस c तो c एंड माइनस c तो ये 0 हो जाएगा और राइट साइड में भी आपको मिल जाएगा 0। तो 7 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, बराबर। अब यहां से क्या करते हैं, तो 7 प्लस 3a प्लस b है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 प्लस 2a प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है 7 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, इसी को हम 7 प्लस 2a प्लस a कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज हमको a प्लस b की वैल्यू पता है, बराबर। तो यहां से हम चलेंगे 7 प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 1 लिखा है वो a प्लस b का वैल्यू है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2a इज इक्वल टू माइनस 8 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 4। एंड नाउ वन मोर थिंग इज गिवन, a प्लस b इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू अगर हम माइनस 4 यूज करेंगे तो माइनस 4 प्लस b माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 1
plus 4 and 1 plus 4 is 5. Okay, so this one is our first question. If x equal to 1 and x equal to 2 are solution, then find value of b. Okay, ab next hai, find remainder. But before that, थोड़ा थियरी देख लेते हैं हम. तो अगर मुझे कोई एक पी एक्स दिया है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और वी वांट टू डिवाइड बाय वन अनदर पॉलिनोमियल एक्स माइनस से, तो पी एक्स है और पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कि एक्स माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो जब आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कोशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर. तो r, या तो आप लिख सकते हैं r ऑफ x. तो जो फैक्टर थियरम है, बराबर, रिमाइंडर थियरम जिसको हम बोलते हैं, इसके हिसाब से व्हाट इज px? तो px इज इक्वल टू x माइनस a इनटू q ऑफ x एंड प्लस, रिमाइंडर के लिए मैं सिर्फ r लिख रहा हूं, बराबर. सो इफ वी डिवाइड px by another polynomial x minus a, and if qx is our quotient and r is remainder, then we can write px is equal to x minus a into qx plus r, where r is remainder. अब अगर यहां पर आपको किसी ने बोला कि आपको remainder find करना है when we divide by x minus a, मुझे r का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर. जब हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो r का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो आपको ऊपर इक्वेशन दिख रहा है, इसमें अगर हम x की प्लेस पर a पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? p ऑफ a. राइट साइड में क्या होगा? तो राइट साइड में होगा a माइनस a इंटू q ऑफ x की प्लेस पर a and plus r. So p of a is equal to, now what is a minus a? So a minus a is 0, and 0 into qa is also 0, so it is r. Ab iska matlab kya hua? Agar aapko remainder find karna hai, barabar, agar aapko remainder find karna hai, to aapko kya karna chahiye? X ki place par a put karna chahiye, barabar. To yahan par main likh deta hu, remainder, remainder of px when divided by x minus a is p of a. बराबर, आपको remainder find करने के लिए जो भी आपको polynomial दिया गया हो उसमें क्या करना है? x की प्लेस पर a पुट करना है. यहाँ पर x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x की प्लेस पर हम a पुट करेंगे. अगर यहाँ पर x प्लस a होता तो हम क्या फाइंड करते हैं? p ऑफ माइनस a, जो भी आपको यहाँ पर साइन दिया है उससे अपोजिट, एडिटिव इनवर्स का यूज करना है. ओके, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसका यूज करके एक सम कर लेते हैं. तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड रिमाइंडर when x cube plus 4x square minus 7x plus 6 is divided by x minus 1. तो आपके लिए polynomial क्या है? तो यहाँ पर आपको polynomial दिया गया है x raised to 3 power plus 4x square minus 7x plus 6. अब हम क्या करना चाहते हैं? Remainder find करना है when it is divided by x minus 1. So divided by x minus 1. So hum x ki place par kya put karenge? 1. So p of 1 is our answer. So p of 1 is 1 cube plus 4 into 1 square minus 7 into 1 and plus 6. So this one is 1 plus 4 minus 7 and plus 6. अब यहां पर आप देख सकते हो ये है 1 और ये है plus 6. तो 1 plus 6 is 7 and this one is minus 7. तो 7 and minus 7 cancel and therefore your answer is 4. बराबर,
तो ये जो हमारे लिए है कि अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो आप x की प्लेस पर a पुट कर दो, p ऑफ a फाइंड करो, वो आपका रिमाइंडर है। अगर आपको x माइनस टू दिया है, x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको x की प्लेस पर 2 पुट करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है? p ऑफ माइनस 3 फाइंड करना है। यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन लेके पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया है उसमें पुट करना है, तो वहां से आपको मिल जाएगा आपका रिमाइंडर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एक्सप्रेशन ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री हैज रिमाइंडर फोर एक्स प्लस थ्री व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मीन्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो पॉलिनोमियल है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर लास्ट में नंबर टू दिया है, तो टू के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए प्लस वन, तो टू के फैक्टर होते हैं टू एंड वन, हमको प्लस चाहिए तो ग्रेटर नंबर के आगे प्लस रखते हैं और सेकेंड नंबर के आगे माइनस, बराबर। और फिर इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, दोनों के आगे एक्स लिख दो तो एक फैक्टर होगा एक्स प्लस टू और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू जो आपको दिया है इसको हम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको लिख देंगे क्यू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें नहीं बताया, तो क्यू एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइजर हमारा। और इस टाइम हमको रिमाइंडर दिया गया है और वो रिमाइंडर है फोर एक्स प्लस थ्री, बराबर। ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां पर एक्स प्लस टू दिया है, तो एक्स प्लस टू दिया है तो हम x की प्लेस पर यूज करेंगे माइनस टू। ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें हम x की प्लेस पर माइनस टू यूज कर लेते हैं। तो अगर आप x की प्लेस पर माइनस टू यूज करेंगे तो सबसे पहले आएगा a माइनस टू का फोर पावर, बराबर। अब माइनस टू का फोर पावर है देन प्लस b x की प्लेस पर माइनस टू, तो माइनस टू का थ्री पावर, देन माइनस x की प्लेस पर माइनस टू यूज करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, एक्स की प्लेस पर माइनस टू यूज करो प्लस थ्री। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, तो जब आप एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, मींस ये पूरा जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आएगा इक्वल टू, यहां पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर इंटू माइनस टू प्लस थ्री, बराबर। ये हमने एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट कर दिया है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि डिजिट है, आप आराम से इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड देन हियर अवर अनदर फैक्टर इज एक्स माइनस वन। यहाँ पर आपको जो सेकेंड फैक्टर दिख रहा है वो एक्स माइनस वन दिख रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स की प्लेस पर वन। तो जब आप एक्स की प्लेस पर वन पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू वन रेस टू फोर प्लस बी इंटू वन क्यूब देन माइनस वन स्क्वेर देन प्लस टू इंटू वन देन प्लस थ्री इज इक्वल टू। अब वापस जब आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, मींस ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो डायरेक्टली आएगा 4 इनटू x की प्लेस पर 1
एंड देन प्लस थ्री. ओके, ये जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि वन का पावर है तो ये तो जो ऊपर वाला था इससे भी ज्यादा सिंपल है, तो यहां से मिल जाएगा आपको ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री. ये जो है इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू. अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आए हैं. फर्स्ट वन ये जो है वो भी ए एंड बी के फॉर्म में है और ये भी ए एंड बी के फॉर्म में है. तो अगर हम ये दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं वन प्लस टू करता हूँ तो आपको टू ए, फर्स्ट में टू ए माइनस बी है बराबर, और सेकंड में ए प्लस बी है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री ए इज इक्वल टू थ्री. एंड थ्री ए इज इक्वल टू थ्री मीन्स ए इक्वल टू वन. अब जब आप ए इक्वल टू वन कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो a इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन और इन इक्वेशन नंबर टू कहीं पर भी रख सकते हैं. तो a का वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमको b का वैल्यू कितना मिलेगा, तो b का वैल्यू मिलेगा थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इज टू. ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में हमको जो डिवाइड करना था वो डिवाइड, जिससे डिवाइड करना था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया था. तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कर लिया, क्योंकि हम x का वैल्यू माइनस टू एंड माइनस वन प्लस वन रख देंगे, क्योंकि जो हमने सीखा है वो डायरेक्टली लिनियर फॉर्म में सीखा था. तो अगर हमको क्वाड्रेटिक दिया तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक को लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसका सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को खत्म किया है बराबर. चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज फैक्टर ऑफ टू टाइम्स एक्स इज टू फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये जो है वो ए दिया है बराबर. ये थोड़ा तकलीफ था तो मैंने साइड में लिख दिया है कि भाई ये जो एक्चुअली है वो ए है, ए प्लस बी. अभी भी इक्वेशन चालू है, टू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब यहाँ पर फैक्टर वर्ड दिया है, फैक्टर का मतलब क्या करते हैं, तो फैक्टर का मतलब है अगर मैं ऐसे बोलू कि सिक्स है, टू इज फैक्टर ऑफ सिक्स मीन्स इफ वी डिवाइड सिक्स बाई टू देन अवर रिमाइंडर इज जीरो. और रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने अभी देखा था कि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, किसी इक्वेशन को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि वो जो पॉलिनोमियल है वो px है और हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज p ऑफ a. बट यहां पर हमको नया वर्ड मिला है फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब होगा रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा. तो इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन वी से पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो. बस इसका यूज करके ये क्वेश्चन को करना है. तो वापस आप देखो, आपको जिससे डिवाइड करना है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है, तो हम पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर, यहां पर जो लास्ट नंबर है वो सिक्स है और उसके आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब सिक्स के ऐसे फैक्टर निकालो जिनका सब्ट्रैक्शन वन होता है. तो सिक्स के फैक्टर थ्री एंड टू, हमको प्लस एक्स चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर नंबर के आगे हम प्लस रखेंगे और सेकंड नंबर के आगे माइनस का साइन रखेंगे, तो थ्री माइनस टू प्लस वन हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स दिया गया था, इसके दो फैक्टर हमको मिल चुके हैं, दोनों के आगे x लिखना है आपको, तो वन फैक्टर इज x प्लस थ्री एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस टू. अब क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन में हमको दिया था जो px है वो px को एक बार लिख देते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू टू टाइम्स x रेज टू फोर प्लस x रेज टू थ्री पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन बराबर, ये आपका पी एक्स है.
अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स फैक्टर है, इसका मतलब एक्स प्लस थ्री भी फैक्टर होगा, एक्स माइनस टू भी फैक्टर होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्स प्लस थ्री इज फैक्टर, एक्स प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर एक्स प्लस थ्री फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, जो आपका पी ऑफ एक्स है इसमें हम एक्स की प्लेस पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा। अब एक्स की प्लेस पर माइनस थ्री पुट करते हैं तो आपको मिलेगा टू इंटू माइनस थ्री रेस टू फोर प्लस माइनस थ्री रेस टू थ्री पावर माइनस ए माइनस थ्री स्क्वेर प्लस बी एक्स की प्लेस पर माइनस थ्री प्लस ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बराबर, एक्स की प्लेस पर हमने माइनस थ्री पुट कर लिया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन में लिख रहा हूं फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू 67। बराबर, ये हमारा एक इक्वेशन होगा। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप खुद करना, तो 4a plus b equal to 67, एक ऑलरेडी मिल चुका है। सेकंड आप देख सकते हैं x माइनस टू भी हमारे पास अभी बाकी है, तो x माइनस टू भी इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस टू फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि p of 2, क्योंकि हमारे पास x माइनस टू है तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखना, p of 2 ये भी जीरो होगा, तो x की प्लेस पर 2 पुट कर लेते हैं। जब आप x की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 2 रेस टू 4 देन प्लस 2 क्यूब देन माइनस a इंटू 2 स्क्वेर प्लस b इंटू 2 प्लस a प्लस b माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर भी जो नंबर्स आए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 13। एंड नाउ यू हैव इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग, क्योंकि आप ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड वो सब जानते हैं, तो सॉल्विंग वन एंड टू ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए का वैल्यू है 16 एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा 3। बराबर, तो यहां पर हमने क्या देखा, फैक्टर है। अगर फैक्टर है इसका मतलब कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, तो उसका यूज करके ये क्वेश्चन किया। इसमें जो जो भी इक्वेशन आते हैं या जो डिजिट है उनका सिंप्लीफिकेशन आप खुद ट्राई करना, बराबर, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आप भी क्लियर होते रहो कि हाँ भाई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है और हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन भी कर सके। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के मतलब आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच एक्स प्लस टू इज फैक्टर, देखो यहां पर लिखा है एक्स प्लस टू इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहां पर आपका पॉलिनोमियल कौन है, तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स, एंड पी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन रेस टू 7 पावर प्लस 2x प्लस k रेश टू 3 पावर। बराबर, ये आपका पॉलिनोमियल है और जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से x प्लस 2 इज फैक्टर, x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इट मींस जब आप x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, तो x प्लस 2 दिया है तो हम x की प्लेस पर माइनस 2 पुट करेंगे और उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो p ऑफ माइनस 2 मतलब x की प्लेस पर आप माइनस 2 पुट करो तो माइनस 2 प्लस 1 रेस टू 7 पावर एंड देन प्लस 2
x की प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस टू, तो टू इंटू माइनस टू प्लस के एंड रेश टू थ्री पावर इज इक्वल टू जीरो. वट इज माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो माइनस वन रेश टू सेवन पावर प्लस ये जो ब्रैकेट है इसमें टू इंटू माइनस टू वो माइनस फोर होगा, तो माइनस फोर प्लस के रेश टू थ्री पावर इज इक्वल टू जीरो. वट इज माइनस वन रेश टू सेवन, तो माइनस वन रेश टू सेवन इज माइनस वन प्लस ये जो माइनस फोर प्लस के है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं के माइनस फोर उसका थ्री पावर इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर के माइनस फोर रेश टू थ्री पावर इज इक्वल टू वन एंड देन के माइनस फोर इज इक्वल टू वन. एक्चुअली थोड़ा इसको फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना चाहिए बट अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ओके, क्योंकि थ्री पावर है तो इसके एक्चुअली थ्री आंसर होते हैं, उसमें दो आंसर जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो हम जो डायरेक्टली लिख रहे हैं वो रियल आंसर लिख रहे हैं. तो k माइनस फोर इक्वल टू वन एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू फाइव ओके. तो इन्होंने क्वेश्चन किया था फाइंड वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा हुआ था फैक्टर. तो जब भी आपको फैक्टर दिया जाए आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नंबर x प्लस टू दिया है तो आपको x की प्लेस पर माइनस टू पुट करना है ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन. डिविजिबल का मतलब होता है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा. तो यहां पर आपको सिंबल इन्होंने दिया हुआ है एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus a divisible by x minus 1. So this one is divisible by x minus 1 and therefore remainder 0 होगा. अब remainder कैसे find करते हैं? x minus 1 दिया तो हम x की place पर 1 put करेंगे, that is f of 1 is equal to zero. अब यहां से हमको क्या मिलेगा? तो यहां पर unknown दिया गया है, a दिया गया है, तो सबसे पहले हमको a find करना पड़ेगा, और फिर इन्होंने पूछा है remainder when fx is divided by x minus 2. तो पहले हम unknown find कर लेते हैं. अब f of 1 equal to zero, तो x की place पर 1 put करेंगे, तो 1 cube minus 3 into 1 square plus 2 into 1 प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. डिविजिबल का मतलब इट इज फैक्टर, दैट इज रिमाइंडर इज जीरो. सो हियर इट इज वन माइनस थ्री प्लस टू, वन माइनस थ्री प्लस टू प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो टू प्लस वन, तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. That is a equal to zero, बराबर, क्योंकि ये वन है और ये है प्लस टू, तो वन प्लस टू थ्री एंड माइनस थ्री, तो a का वैल्यू तो जीरो हो गया. जब आपका a का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो अब आपको एफ एक्स कितना मिलेगा? तो एफ एक्स हो जाएगा हमारे लिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स. जो a था उसका वैल्यू ऑलरेडी अब जीरो हो चुका है. नाउ वी वॉन्ट remainder when it is divided by x minus 2, that is x की प्लेस पर आप 2 पुट करो, क्योंकि आपको डिवाइड करना है x minus 2 से, तो हम x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां से होगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वेयर एंड देन प्लस 2 इंटू 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 का क्यूब होगा 8 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज ऑल्सो 4, तो दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज प्लस 4, तो 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0. दैट्स अवर रिमाइंडर ओके. चलो अब
एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रूट्स एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एंड एक्स 5। तो एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जो इक्वेशन दिया है इसके रूट्स आपको दिए हैं एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एंड एक्स 5। तो रूट्स का यूज करके इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो x माइनस एक्स 1, व्हाई, बिकॉज x 1 इज रूट, x माइनस एक्स 1 इंटू x माइनस एक्स 2 इंटू x माइनस एक्स 3 इंटू x माइनस एक्स 4 इंटू x माइनस एक्स 5। व्हाई, बिकॉज हियर इट इज गिवन हैज रूट्स x 1 x 2 x 3 x 4 एंड x 5, ये जो आपको रूट्स दिए हैं तो रूट्स का यूज करके हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स 1 x माइनस एक्स 2, दैट इज इन जनरल अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसके रूट है अल्फा एंड बीटा तो हम लिखते हैं इट इज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बट यहाँ पर एक्स टू 5 जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, अब इनका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 एक्स 2 स्क्वायर माइनस 1 एक्स 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 4 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 5 स्क्वायर माइनस 1, वो हमको फाइंड करना है। तो ये जो आपको फाइंड करने के लिए बोला है एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1, अब ये एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 मैंने एक ही फैक्टर लिखा है, एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 है वो लिख रहे हैं। तो एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टराइज करके एक्स 1 माइनस 1 एंड एक्स 1 प्लस 1, बराबर। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक्स माइनस एक्स 1 है, ये है एक्स माइनस एक्स 1, और मैंने x1 square minus 1 के फैक्टर निकाले हैं उसमें x1 minus 1 आया है। तो अगर मैं x की प्लेस पर 1 पुट कर लूं तो ये 1 minus x1 हो जाएगा, यहां पर 1 minus x2 होगा, ये 1 minus x3 1 minus x4 एंड 1 minus यहां पर होना चाहिए x5 होना चाहिए, बराबर 1 minus x5। तो हमने x1 square minus 1 के फैक्टर निकाल के, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक आएगा हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 1, हम x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। सो इफ वी पुट x इक्वल टू 1 देन इट इज 1 raised to 5, 1 raised to 5 इज 1, देन प्लस 1 क्यूब दैट आल्सो 1, 1 square इज आल्सो 1 एंड देन प्लस 2, हमने x की प्लेस पर 1 पुट किया है। राइट साइड में कैसे होगा, तो राइट साइड में होगा 1 माइनस एक्स 1 1 माइनस एक्स 2 1 माइनस एक्स 3 1 माइनस एक्स 4 एंड 1 माइनस एक्स 5, बराबर, ये हमने x की प्लेस पर 1 पुट कर लिया। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो लेफ्ट साइड में जो है वो टोटल होगा 3 plus 2, दैट इज 5। राइट साइड में हम क्या करते हैं, तो जो हमको चाहिए वो x1 स्क्वायर माइनस 1 है, तो x1 स्क्वायर माइनस 1 इसको मैंने तो x1 माइनस 1 लिखा था, तो यहां से एक काम करते हैं हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, बराबर, ये जो टर्म दिखा है इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1, फिर ये दो जो टर्म है ना, ये दो टर्म की हम पैर बना लेते हैं, और यहां से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, सेकंड में से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, तो वो आपका माइनस माइनस प्लस दे देगा और हमारा काम भी हो जाएगा, x2 माइनस 1 एंड x3 माइनस 1 ये भी हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो पैर दिख रही है दो, इसमें भी करेंगे x4
वन माइनस एक्स फोर एंड वन माइनस एक्स फाइव, दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, और हमारे जो ब्रैकेट होंगे वो हो जाएंगे एक्स फोर माइनस वन एक्स फाइव माइनस वन, ऐसे हमारे ब्रैकेट हो जाएंगे। ओके अब और क्या करते हैं, तो और ये काम करते हैं कि भाई ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ना, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं बराबर, हो सके उतने में, थोड़ा एक ही स्टेप में ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये जो माइनस है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। नाउ जो हमारा सेकेंड फैक्टर है, यहाँ पर हमने देखा है एक्स वन प्लस वन है, तो अगर हमें एक्स वन प्लस वन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन। सो इफ वी यूज एक्स इक्वल टू माइनस वन, देन फर्स्ट वन इज माइनस वन रेज टू फाइव पावर, माइनस वन रेज टू फाइव पावर इज माइनस वन, माइनस वन क्यूब दैट ऑल्सो माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस वन, लास्ट में कौन सा नंबर है प्लस टू, और राइट साइड में क्या होगा, तो माइनस वन माइनस एक्स वन, एक्स की प्लेस पर माइनस वन पुट कर रहे हैं हम, जो आपको रेड कलर से दिख रहा है वहां पर माइनस वन माइनस एक्स टू, एक्स की प्लेस पर अगेन माइनस वन, माइनस वन माइनस एक्स थ्री, माइनस वन माइनस एक्स फोर, माइनस वन माइनस एक्स फाइव। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू होगा, और यहाँ पर आपको दिया गया है प्लस टू, तो ये प्लस टू और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल चुका है वन इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे बराबर, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वहां से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, और एक्स वन को हम आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस वन, जैसा हमने लास्ट में किया था ऐसे वापस करते हैं, ये दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, और हम पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो ये होगा एक्स टू प्लस वन, और नेक्स्ट हो जाएगा एक्स थ्री प्लस वन। सिमिलरली यहां से भी ऐसा करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो एक होगा एक्स फोर प्लस वन और दूसरा होगा एक्स फाइव प्लस वन। अब जैसा हमने लास्ट में किया था बिल्कुल ऐसा यहां पर भी कर लेते हैं बराबर, ये जो माइनस है वो माइनस को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, या तो आप ऐसे बोलो कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, इसको हम देते हैं नंबर टू, एंड नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो लेफ्ट साइड में क्या है माइनस फाइव, और यहां पर क्या है माइनस वन, अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू वन दैट इज 5। राइट साइड में ये है एक्स वन माइनस वन पहला टर्म, और यहाँ पर है एक्स वन प्लस वन जो हम देख चुके हैं बराबर, यहाँ पर हमने दिखा दिया था कि भाई एक्स वन माइनस वन इंटू एक्स वन प्लस वन वो एक्स वन स्क्वायर माइनस वन होगा, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही आप एक्स टू माइनस वन एंड एक्स टू प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एक्स टू स्क्वायर माइनस वन, एक्स थ्री माइनस वन एंड एक्स थ्री प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स थ्री स्क्वायर माइनस वन मिल जाएगा, एक्स फोर माइनस वन एंड एक्स फोर प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर स्क्वायर माइनस वन, एंड लास्ट में एक्स फाइव माइनस वन एंड एक्स फाइव प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स फाइव स्क्वायर माइनस वन बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, और बस यही हमारा क्वेश्चन था कि आप x1 square minus 1 into x2 square minus 1 into x3 square minus 1 into x4 square minus 1 into x5 square minus 1 इसका वैल्यू फाइंड करो। ओके okay?